इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में लॉकडाउन है लेकिन प्रमुख सड़कों पर। हालांकि ईद का मौका है लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाकों में अभी भी देखकर नहीं लगता कि वहां लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच संयुक्त व्यापार संघ के एक गुट ने जिला प्रशासन पर यह कहते हुए दबाव बना दिया है कि यदि ईद के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के दायरे में बाजार नहीं खोले गए तो वे खुद ही बाजार खोल देंगे। शासन में प्रशासन को निश्चित रूप से यह एक चुनौती है और इसके तहत ही आज इस गुट के साथ जिला प्रशासन ने बैठक भी की। बैठक में पाया गया कि ईद के बाद बाजारों को खोलने की नई रणनीति पर विचार विमर्श कर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। इससे पहले ADM सिटी व SP सिटी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाजार खोलने की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। इस खाके पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे जिला पुलिस व प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक होगी और नई रणनीति बता दी जाएगी। मेरठ में लॉकडाउन के चलते लगभग 60 दिन से ज्यादा समय हो गया है बाजारों को बंद हुए। मेरठ में जिला प्रशासन द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है, 2 दिन सुपर लॉकडाउन और बाकी दिन लॉकडाउन। सुपर मायने कोई छूट नहीं और लॉकडाउन मायने सख्ती में छूट। ईद का मौका है लिहाजा व्यापारियों के बीच व्यापार को लेकर कसमसाहट होना लाजमी है। इस बीच लाल बुक डिपो व अन्य कुछ घटनाओं ने संयुक्त व्यापार संघ के दोनों ही ग्रुपों को आगे की रणनीति बनाने के लिए बाध्य कर दिया। जिला प्रशासन से दोनों ने ही अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों व एक दूसरे की मुलाकातों को वे किस तरह से ले रहे हैं इस मुद्दे पर फर्स्ट बाइट को इन दोनों ने ही जानकारी दी। आइए पहले देखते हैं दोनों ग्रुप के अध्यक्ष अजय गुप्ता व नवीन गुप्ता क्या बता रहे हैं फर्स्ट बाइट को। आज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला कि कुछ व्यापारी नेताओं ने जिला प्रशासन और शासन को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ईद के बाद मेरठ का व्यवसाय या व्यापारियों की दुकानें नहीं खोली गईं तो वो व्यापारियों को लेकर अपनी दुकानें स्वयं खोल लेंगे। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला है। और इन सभी बातों को लेकर मैं वैश्विक व्यापार संघ के अध्यक्ष की हैसियत से परसों जिलाधिकारी महोदय से मिला था और मैंने उन्हें मेरठ के व्यवसायियों की परेशानी व्यापार संघ के माध्यम से उनके समक्ष रखी थी, जिस पर पूर्ण रूप से सहमति बन गई थी कि ईद के बाद नई गाइडलाइन के साथ मेरठ के व्यवसाय को बाजारों को खोलने पर जिला प्रशासन विचार करते हुए नई गाइडलाइन के साथ बाजार को खोलवाने का प्रयास करेगा और बाजार खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बात कहना और करना, मेरा मानना है कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और ऐसे में बिना जिला प्रशासन और शासन की गाइडलाइन लिए अपने आप व्यापार को खोल लें पर जो व्यापारी की स्थिति बनेगी, क्या व्यापारी मौत पर और लाशों पर व्यापार करेगा? ये शहर बचेगा, इस शहर के नागरिक बचेंगे, मेरे अन्नदाता बचेंगे जिनसे मेरा व्यवसाय चलता है, तो मेरा व्यवसाय फले फूलेगा। अन्यथा अगर मैं कोई जिद करता हूँ और शासन और जनता को इस कोरोना के महामारी में धकेलता हूँ तो ऐसे व्यापार को किससे करूँगा? मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग इस बात को समझें और शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के बाद ही व्यवसाय खोला जाए। ये निश्चित है कि व्यापारी को व्यापार खोलने की आवश्यकता है, वो व्यापार करना चाहता है, उसको व्यापार करने का मौका दिया जाए, यही मेरा कहना है। महोदय थे हमारी, दोपहर 12 बजे उनके कैंप कार्यालय पर मुलाकात हुई। हमने कल अपनी पदाधिकारियों की मीटिंग करके निर्णय लिया था कि अगर जिला प्रशासन शीघ्रता के साथ बाज़ार नहीं खोलता है तो हम अपने बाज़ारों को खोलने के लिए मजबूर होंगे, हमने इसलिए आज जिलाधिकारी ने हमको बुलाया और बुलाकर 12 बजे अपने कैंप कार्यालय पर वार्ता की। वार्ता में निर्णय लिया गया है कि ADM सिटी और SP सिटी 2 दिन के अंदर किस प्रकार से बाज़ार खोले जाने हैं उसकी रणनीति और उसका प्लान बना लेंगे। इसी प्रकार से 2 महीने के कारण से जिन व्यापारियों के प्रतिष्ठान खुले नहीं हैं उन प्रतिष्ठानों की साफ सफाई होनी है और व्यापारियों को ये देखना कि उनकी दुकान में दीमक तो नहीं लग गई, चूहे ने काट तो नहीं दिया, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ।
ऐसे उन व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए 1 से 4 बजे का समय दिया जाएगा। उसकी भी तिथि कौन सी रहने वाली है वह ADM सिटी और SP सिटी तय कर लेंगे। ये भी निर्णय हुआ कि मंगलवार को 12 बजे हम जिलाधिकारी और हम संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी पुणे बैठेंगे और बैठकर किस प्रकार से मेरठ के बाज़ारों को खोला जाना है, कितने समय से कितने समय तक खोला जाना है और उन बंद दुकानों को जिनकी साफ सफाई होनी है वह किस प्रकार से किस दिन खोली जानी है, यह सब निर्णय मंगलवार को हम सब लोग मिलकर करेंगे।